झारखंड की झारखंड में आज से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की बढ़ी जो पाबंदियां हैं वो लागू हो जाएंगी। 16 मई से 27 मई तक ये पाबंदी लागू रहेंगी, जिसमें पहले की तरह आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। बाहर निकलने के लिए ई पास जरूरी होगा। आपको बता दें कि ई रिक्शा और जो व्यावसायिक वाहन के लिए पास की जरूरत नहीं होगी, जबकि दो पहिया और निजी वाहनों के परिचालन के लिए ई पास लेना अनिवार्य होगा। दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए कुल 98 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। वहीं आज से बसों का परिचालन बंद हो गया है। आपको बता दें कि बिना ई पास के बाहर निकलने पर कार्रवाई का भी प्रावधान है। हालांकि मरीजों के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी। तो आपको बता दें, झारखंड में भी लगातार कोरोना का कहर जारी, और उसको देखते हुए एक बार फिर से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है उसे बढ़ा दिया गया है, और उसको लेकर आज से जो नई पाबंदियां हैं वो लागू होंगी, जो कि 27 मई तक लागू रहेंगी। तो तमाम जानकारी के साथ रांची से कुमार चंदन लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, लगातार झारखंड में कोरोना का कहर तो देखा ही जा रहा है, उसको लेकर अब जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह उसकी म्याद भी बढ़ा दी गई है, तो क्या कुछ नई पाबंदियां हैं जो आज से लागू होंगी? देखिए, बिल्कुल, झारखंड में सख्ती वाली स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह आज से लागू हो गया है, जो 27 तारीख तक जारी रहेगा। और जो पाबंदी है वो सड़कों पे आपको देखने को वो सख्ती दिख जाएगा कि किस तरह से पुलिस की पेट्रोलिंग कहे, पुलिस का जो ट्रैप चेकिंग है, वो बैरिकेटिंग है, वो सड़कों पे अब दिखने लगेगा। और गाड़ियों से बार बार पूछा जा रहा है, जो भी गाड़ियों की आवाजाही हो रही है उनसे सबों से ई पास के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या उनके पास ई पास है या नहीं है। जिनके पास ई पास नहीं है, अभी चूंकि वो शुरुआती दौर है, सुबह सुबह का वक्त है, ऐसे में उन लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द अपना ई पास बनवा लें अगर सड़कों पे जाना है आवश्यक काम के लिए भी। तो कुल मिलाकर अगर बात करें झारखंड की, तो जो सख्ती हुई है या फिर जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया गया, उसका असर झारखंड में दिखने लगा है। जो संक्रमितों की संख्या है, राजधानी रांची में 500 के आसपास सिमट गया है, पूरे झारखंड में 4000 से नीचे संक्रमितों की संख्या हो गई है। तो ये कहा जा सकता है कि एक संकेत है, और अच्छा संकेत है कि अगर हम सरकार के नियमों का पालन करते हैं, गाइडलाइन का पालन करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन तमाम चीज़ों का उपयोग करते हैं, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं, तो संक्रमण पे काबू पाया जा सकता है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जो आवश्यक नियम बनाए गए हैं उनका पालन करते हैं, तो झारखंड में संक्रमण जल्दी ही समाप्त होने के कगार की ओर दिखेगा। तो कुल मिलाकर सड़कों पे प्रशासन की सख्ती दिख रही है, लोगों से बेवजह अगर निकल रहे हैं तो उनसे पूरी तरह से कारण पूछा जा रहा है, पुलिस पड़ताल कर रही है, चेतावनी दे रही है। क्योंकि जी बिल्कुल चंदन, आपने कहा कि लोगों को अब ई पास जरूरी होगा बाहर निकलने के लिए, तो क्या आप बता सकते हैं किन किन लोगों को जरूरत होगी ई पास की, किस किस को नहीं होगी? देखिए, ई पास की जरूरत हर व्यक्ति को पड़ेगी। जिनको आवश्यक काम के लिए जाना है, वो ऑनलाइन जो पोर्टल बना दिया गया उस पोर्टल से ऑनलाइन लेना होगा, ई पास के लिए अप्लाई करना होगा, और कॉलम बने हुए हैं सारे चीज़ों के लिए कि किन्हें किस वर्ग में अप्लाई करना है। और बिना ई पास के मरीजों को और जो व्यावसायिक वाहन हैं या फिर जो ई रिक्शा है, वैसे चीज़ों को पास की ज़रूरत नहीं होगी। बसों का परिचालन तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, लेकिन निजी तौर पर अगर लोग घरों से निकल रहे हैं तो उन्हें पास लेना होगा, वो अगर किसी काम से जा रहे हैं तो पास लेना होगा। अगर वो व्यावसायिक वाहन, जैसे जो गाड़ियां हैं, व्यावसायिक वाहन है, ऑटो है, इन लोगों को पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ई रिक्शा को भी पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो इलाज के लिए मरीज जाएंगे उनको पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बाकी सभी लोगों को पास लेकर ही सड़कों पर निकलना होगा। उनके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, बाकायदा कॉलम बनाए गए हैं हर वर्ग के लिए, वो उस वर्ग में अप्लाई करेंगे, आवेदन देंगे, और फिर उन्हें पास मिलेगा। जी चंदन जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आज से झारखंड में नई पाबंदियां लागू हो गई हैं। फिलहाल रुकेंगे छोटे